हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुप्रिया बाकल, वेलकम बैक टू सुप्रियाज किचन गार्डन। फ्रेंड्स, आज हम आपको फर्स्ट फ्लोर के बैक साइड के टेरेस का ओवरव्यू दिखाने वाले हैं। वैसे तो हमने आपको कई बार ये टेरेस दिखाया भी है, लेकिन हर एक प्लांट्स को मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है आपको। तो आज मैं आपको मैंने यहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स लगाए हैं वो बताने वाली हूँ। देखिए, कुछ इस तरह से मैंने अपना ये बैक साइड का टेरेस रखा है। इस टेरेस में मैंने ज़्यादा बड़े बड़े गमले नहीं लिए हैं, मैंने ग्रो बैग्स ही ज़्यादातर रखे हैं और कुछ पॉट्स हैं छोटे छोटे, और कुछ ऑयल टिन के प्लांटर्स भी हैं, और कुछ ये ऐसे प्लास्टिक पॉट्स भी हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये स्टार फ्रूट का प्लांट लगाया है। मैंने फर्स्ट टाइम ही लगाया है इस प्लांट को, इसी रेनी सीजन में लगाया था, ऑनलाइन लिया था मैंने अमेज़न से। और ये कुछ अपने करी लीव्स के जैसे इसके लीव्स होते हैं। और यहाँ पर ये लहसुन लगाया है, ये लहसुन अभी हार्वेस्टिंग पर आ चुका है क्योंकि इसके पत्ते अभी सूख चुके हैं। और ये यहाँ पर शिमला मिर्च है, इसको हमने इस प्लांट से हमने बहुत बार शिमला मिर्च हार्वेस्ट करी भी है। और ये देखिए, अभी ये दो है। और ये भी लहसुन का ही प्लांट है, मैं हर पॉट में एक एक दो दो कलियाँ लहसुन की लगा ही देती हूँ, तो मेरे पास ढेर सारे लहसुन के प्लांट्स रहते हैं। और ये टोमेटोस देखिए, बहुत सारे फ्लावर्स आ चुके हैं और फ्रूटिंग भी चालू है, अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है टोमेटोस पर। और ये यहाँ पर हमने लीची का प्लांट लगाया है, ये भी हमने छोटे से ग्रो बैग में ही लगाया है। जब ये रेनी सीजन आएगा तब हम इसे बड़े प्लांटर में शिफ्ट कर देंगे। और ये यहाँ पर हमने पाइनएप्पल का प्लांट लगाया है, ये हमने घर पर ही लगाया है पाइनएप्पल के क्राउन से। इसे कैसे लगाते हैं इसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगर आप देखना चाहते हो तो उसकी लिंक भी मैं आपको दे देती हूँ। और ये अडेनियम के प्लांट्स भी मैंने अभी अमेज़ॉन से लिए हैं। कुछ 6-7 प्लांट्स लिए थे, लेकिन ये कुछ 2 प्लांट्स मेरे मर गए। और ये पोटैटो, स्वीट पोटैटो वाइन है। और ये मैंने ब्रिंजॉल का प्लांट लगाया है, ऐसे ही बहुत बना के रखी है। और ये यहाँ पर फिर से अडेनियम, ये मेरे पास पहले से ही थे, ये भी मैंने ऑनलाइन ही शॉपिंग की है। इसके फ्लावर्स बहुत ही सुंदर दिखते हैं। और ये भी अडेनियम के है, ये मेरे पास अभी अडेनियम के 8 प्लांट्स है, सभी डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स वाले प्लांट्स लिए हैं मैंने। और ये लक्ष्मण फल का प्लांट है, ये मैंने पहली बार ही लिया है, देखते हैं अभी ग्रोथ तो इसकी अच्छे से हो रही है, लेकिन इसको धूप कितनी चाहिए ये सब मुझे अभी ठीक से पता नहीं चल रहा है, तो मैं इसको चेक करूँगी, बाद में मैं उसे बड़े प्लांटर में लगाऊँगी। और ये आपने देखा है पीछे, ये जो आंवला का प्लांट है, ग्राफ्टेड आंवला है ये। और ये यहाँ पर मिर्च का प्लांट है, और ये ब्रोकोली देख सकते हैं आप, अभी इसमें ब्रोकोली आने में थोड़ा टाइम है, कुछ 15-20 दिन में ब्रोकोली आना शुरू हो जाएगी, पता नहीं, लेकिन अभी धूप भी बढ़ेगी तो कैसे आएंगी फ्रूटिंग उसकी। और ये लहसुन के कलियाँ मैंने यहाँ पर भी लगा दी है कुछ। और ये देखे आप, ये कैबेज है, और यहाँ पर देखिए ये मेरा हिबिस्कस के प्लांट्स भी मैंने कुछ लगा रखे हैं इसमें। देखिए इसमें अभी काफ़ी कलियाँ आ रही है, फ्लावर्स भी चालू रहते हैं। और ये यहाँ पर हमने पर्पल कलर का आम का प्लांट लिया है, और ये भी हमने अमेज़ॉन से ही लिया था। सभी ज़्यादातर प्लांट्स मैं अमेज़ॉन से ही लेती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ तो मुझे अलग अलग कलर के अलग अलग टाइप के फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्लांट्स लेना बहुत पसंद है। और देखिए इसमें कितनी सारी फ्लावरिंग आ चुकी है, लगता है शायद इसमें फ्रूटिंग भी होगी, फर्स्ट टाइम है लेकिन। और ये देख सकते हैं आप, ये काजू का प्लांट है, कैश्यू नट, बट इसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है। अगर आप में से किसी को इसकी केयरिंग के बारे में पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताएं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये लहसुन अभी हार्वेस्टिंग पर आ चुका है मेरा, सभी लहसुन मैं एक दिन हार्वेस्ट करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी।
और ये यहाँ पर मैंने जामुन का प्लांट लगाया है। फ्रेंड्स, ये जामुन के प्लांट पर मैंने ग्राफ्टिंग की है, देख सकते हैं जामुन की ही ग्राफ्टिंग की है। जिन प्लांट्स को फ्रूट्स आते हैं उस प्लांट की स्टेम से मैंने यहाँ पर ग्राफ्टिंग किया है। और ये चिली देखिए, ये छोटा सा प्लांट है लेकिन इसमें ढेर सारी चिली आ चुकी है। और ये दूसरा प्लांट है चिली का। फ्रेंड्स, मैंने वाटर एप्पल का भी प्लांट लिया है लेकिन वो प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है और उसके लीव्स पूरे सूखे जा रहे हैं, ऐसे जल रहे हैं उसके लीव्स। तो अगर आप में से किसी को वाटर एप्पल के बारे में कुछ पता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा क्या करें कि हमारा वाटर एप्पल का प्लांट सर्वाइव भी कर जाए और अच्छे से उसकी ग्रोथ भी हो। अभी तो मैंने उसे हमारे बैकयार्ड गार्डन में छाया में रखा है कि मैं सोच रही हूँ कि उसे शायद धूप पसंद नहीं है तो इसलिए उसे हमने छाया में ही रखा है। तो ये बैक साइड का टेरेस मैंने कुछ इस तरह से रखा है। ज़्यादा प्लांट्स यहाँ पर नहीं रखे हैं, थोड़े बहुत रखे हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स भी यहाँ पर नहीं रखे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कैरी हमने बनाई है। इस कैरी को मैंने कैसे बनाया है इसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हो और अगर आप देखना चाहते हो तो मैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये दो ईंटें की ही कैरी है। ऊपर की ये तीसरी ईंट है वो ऐसे ही मैंने रखी है, ज़्यादा इसमें मिट्टी भरी नहीं है मैंने। और यहाँ पर हमने मेथी लगाई है, देख सकते हैं आप, अभी मेथी ग्रो भी हो चुकी है, ये देखिए। और बॉर्डर में मैंने ये टोमेटोज के प्लांट्स लगाए हैं, उसमें फ्रूटिंग भी हो रही है। यहाँ पर धनिया लगाया है, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है धनिया। और ये मेरी कंपोस्ट बिन है, यहाँ पर मेरे गार्डन के जितने भी लीव्स निकलते हैं, प्लांट्स छोटे छोटे निकलते हैं, वो सब मैं इसमें डाल देती हूँ और इसमें मैं उसका लीव कंपोस्ट बनाती हूँ। और इधर मेरी सेम की बेल है, ये देखिए, ये पूरी तरह से अभी सूख रहे हैं इसके पत्ते। अभी सेम की फलियाँ ख़त्म भी हो रही है, अभी इसका सीजन ख़त्म हो रहा है, अभी फलियाँ कुछ कुछ बाकी है। और यहाँ पर ये मेरा ड्रमस्टिक का प्लांट है, इसमें भी बहुत सारी फ्लावरिंग है और फलियाँ भी बहुत सारी लग चुकी है। और ये मेरा पपीता का प्लांट है बैक साइड का, देखिए कितने सारे पपीता लग चुके हैं इसमें। अभी तो ये कच्चे हैं, अभी पकने के हैं। और ये मेरा बनाना का प्लांट। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स।